नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। झारखंड के पहले चरण के चुनाव में 43 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के खिलाफ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद भाजपा की नींव हिल जाएगी। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने झारखंड में शैडो कैंपेन चलाकर न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि राज्य की सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को भी तोड़ कर रख दिया है। सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, भाजपा ने मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए फेसबुक पर करोड़ों रुपए खर्च किए। ये विज्ञापन न केवल नफरत फैलाने के लिए थे, बल्कि समाज में धार्मिक उन्माद और आपसी झगड़े बढ़ाने का भी काम कर रहे थे। हेमंत ने जो रिपोर्ट साझा की उसमें खुलासा हुआ कि पिछले 30 दिनों में झारखंड चौपाल और रांची चौपाल जैसे फेसबुक पेजों पर 72 लाख रुपए खर्च किए गए, ताकि राज्यवासियों को झूठे प्रचार से भ्रमित किया जा सके। इन पेजों पर जो कंटेंट डाला गया वो नफरत फैलाने वाला, धर्मों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला और समाज को बांटने वाला था। सीएम ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस मसले पर शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है और भाजपा के साथ मिलकर लगातार 95,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों का इस्तेमाल कर राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि हमने किसी भी तरीके के प्रमोशन पर 1 रुपया नहीं खर्च किया, जबकि भाजपा ने अपनी शैडो कैंपेन के लिए यानी कि शैडो कैंपेनिंग के लिए करोड़ों रुपए झोंक दिए हैं। बता दें कि पहली बार नहीं है जब हेमंत सोरेन ने भाजपा के इस तरीके के काले खेल को बेनकाब किया है। इससे पहले भी उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था कि पार्टी सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने और झूठा प्रचार करने का काम कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया था कि क्या भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की छूट मिल रखी है। हेमंत सोरेन ने रिपोर्ट में यह भी बताया था कि पिछले 3 महीनों में भाजपा ने राजनीतिक विज्ञापनों पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इसमें से आधा पैसा भाजपा के आधिकारिक पेज पर गया, जो सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विभाजनकारी और भ्रामक संदेशों को फैलाने वाले शैडो अकाउंट्स के जरिए झूठा प्रचार कर रहे हैं। इन शैडो अकाउंट्स ने कुल मिलाकर यानी कि तकरीबन 81 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, जो भाजपा के आधिकारिक पेज के खर्च के लगभग बराबर है। यानी कि देखा जाए तो हेमंत सोरेन का ये खुलासा भाजपा की चुनावी रणनीतियों की असलियत को उजागर करता है, मगर इसमें सच्चाई कितनी है ये नहीं कहा जा सकता। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस गंभीर मसले पर क्या कार्यवाही करता है और क्या वो लोकतंत्र और समाज के बीच बड़े विभाजन को रोकने में अपनी भूमिका निभाता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।